नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक कि सुशांत सिंह राजपूत, सभी को पता होगा उनके बारे में कि कितने अच्छे वो एक्टर थे। और अभी तक आप सबको ये खबर मिल गई होगी कि कल उन्होंने मुंबई में जो उनका फ्लैट था जहां वो रहते थे वहां पे उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। और यार ये खबर जब मुझे पता चली ना कल, तब ये मुझे एक व्हाट्सएप पे पोस्ट के थ्रू पता चली थी। आशीष ने मुझे वो पोस्ट दिखाई थी और उसने कहा कि ये देख इसने सुसाइड कर ली। तो मुझे यार शुरू में मेरा लिटरली जो फर्स्ट रिएक्शन था ना वो ये था कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यार जिस इंसान की मूवी देखकर मैं कल तक इंजॉय करता था, उसकी मैं एकदम से खबर देख रहा हूँ कि इसने सुसाइड कर लिया है, तो वो सुनकर मेरे ख्याल से किसी को भी यकीन नहीं होगा पहली बारी में कि ऐसा हो सकता है। सबको यही लगेगा कि यार ये न्यूज़ जो है फेक है। लेकिन जब धीरे धीरे मीडिया ने दिखाया, फिर जाके ये बात कंफर्म हुई और पता चला कि हाँ उन्होंने सचमुच सुसाइड कर लिया है, तब जाके इस बात पे प्रॉपर यकीन हुआ मुझे। और यार मैं बिल्कुल शॉक हो गया ये सुनते ही कि रियलिटी में उन्होंने सुसाइड करी है। मतलब यार क्या रीज़न होगा ऐसा कि सुसाइड करना पड़ेगा उनको? जो अभी तक रीज़न बताया, जो उनके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यही बताया कि वो किसी बात को लेकर पिछले काफ़ी मंथ से डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन यार शुरू के कुछ टाइम तक ना मतलब दिल माना नहीं मेरा। मतलब 2020 में इससे पहले अगर एक्टर्स की बात की जाए तो ऋषि कपूर सर, इरफान खान सर, इनकी भी डेथ हुई, लेकिन वो क्योंकि एक बीमारी की वजह से हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, उस वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो वो चीज़ इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यार सुसाइड एक ऐसी चीज़ है यार, मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता था सुशांत सिंह राजपूत के, मतलब यार इंटरव्यूज़ में वो कितना जिंदा दिल इंसान था, कितने ज़्यादा मजाक करता था वो दूसरों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा फनी इंसान थे वो। लेकिन एकदम से अगर आपको भी मेरे ख्याल से शॉक लगा होगा जब आपको ये खबर मिली होगी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि समझ ही नहीं पाते ना कि क्या ये सच है भी कि नहीं है, क्यों उन्होंने ऐसा करा होगा। रीज़न बताया गया डिप्रेशन की वजह से। अब यार डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड की है, तो मैंने फिर थोड़ा सा देखा और मुझे लगा यार इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हमें जो देखती है, जो हमारी वीडियोस को देखती है ऑडियंस, वो सब यंगस्टर्स हैं। बहुत ही रेयरली ऐसे हैं जो बच्चे हैं, या बहुत ही रेयरली ऐसे हैं जो अबव 50-60 है। मैक्सिमम सब यंगस्टर्स हैं और ज़्यादातर जो है ये डिप्रेशन वगैरह यंगस्टर्स के बीच में ही रहता है, ठीक है? तो इसलिए आज मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए आप लोगों से। मैंने आज ना एक रिपोर्ट देखी WHO की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में एट प्रेजेंट अराउंड 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें डिप्रेशन का शिकार बताया गया है। 300 मिलियन, यानी अगर उसको आप कन्वर्ट करो तो 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है इस टाइम पे। अलग अलग यार सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, किसी को पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन है, किसी को नौकरी की वजह से डिप्रेशन है, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने की वजह से डिप्रेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है आजकल यंगस्टर्स के अंदर। मतलब अलग अलग तरीके से लोगों को डिप्रेशन होता है, और ऐसे मतलब सिचुएशन में वो लोग इस हद तक डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। लेकिन यार मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसे लगे कि कुछ प्रॉब्लम में वो फंस गया और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है उस बात को लेकर। लेकिन उस टाइम पे भाई आप बस एक ही बात याद रखना कि ये जो टाइम है ना, ये पास हो जाएगा धीरे धीरे, ये बीत जाएगा भाई, ये परमानेंट नहीं है। ये जो आपके दुख दर्द हैं पर्टिकुलर टाइम पे, वो टेम्परेरी है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में एंड तक नहीं चलेंगे। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं डील कर सकता हूँ, या अगर
अगर मैं खुद डील नहीं कर सकता तो आपको ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए, आपका दोस्त हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी आपके सबसे क्लोज है, आपको उनसे बात करनी चाहिए भाई ज़रूर। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी को बताने लायक हो या ना हो, किसी एक इंसान से आपको ज़रूर बात करनी चाहिए जिसे आप पे ट्रस्ट हो और जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये शायद मेरी फीलिंग्स के बारे में समझ पाएगा, या एटलीस्ट अगर ये मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा तो एटलीस्ट इतना है कि ये मेरा मजाक नहीं बनाएगा उस चीज़ को लेकर, मेरी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं बढ़ाता। ठीक है, मैक्सिमम जो लोग हैं अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो सॉल्यूशन दे पाए या ना दे पाए वो अलग बात है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम का मजाक नहीं बनाते। तो इसलिए आपको किसी ना किसी इंसान से बात करनी चाहिए जो आपको समझ सकता हो। और ऐसे टाइम पे जब आप डिप्रेस हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी ना अपने आप को अकेला मत सोचना, अपने आप को अकेला सोचना भी मत और अपने आप को अकेला छोड़ना भी मत। जब तक वो फेज चल रहा है आपका प्रॉब्लम वाला, तब तक आप डेली किसी ना किसी के साथ रहो, हर टाइम अच्छी बातें करो उनके साथ, वो अच्छी बातें करेंगे आपके साथ, खुश रहने की कोशिश करो, प्रॉब्लम साथ के साथ चलने दो बेशक अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है तो, बट उसके साथ साथ भी आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं घूमने चले जाओ किसी के साथ, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, घूम नहीं सकते तो कहीं ट्रिप पे नहीं जा सकते तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी करो, अपने आप को बिजी रखो और अच्छी चीज़ के अंदर बिजी रखो। ऐसा नहीं कि आप गलत कामों में पड़ जाओ या गलत चीज़ में आप अपने आप को बिजी रखो, या ऐसे दोस्तों के पास चले जाओ या ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो आपको गलत चीज़ बताएगा, उस तरीके से बिजी नहीं रहना। अच्छी चीज़ों के साथ बिजी रहो, भले ही आपकी वो प्रॉब्लम साथ के साथ चलती रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर अकेले आप रहोगे ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं, प्लस आपके लिए वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप उसी सोच में डूबे रहोगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ आप अपने आप जाते रहोगे। तो इसलिए अकेला नहीं छोड़ना अपने आप को, कोशिश करनी है ऐसे इंसान से बात करने की जो आपको समझ सके, आप पे ट्रस्ट कर सके, आप उस पे ट्रस्ट कर सको, और बहुत जल्द आप फिर डिप्रेशन से बाहर भी निकल सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यार मिल जाता है, देर से मिलता है पर मिल जाता है सॉल्यूशन, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, चाहे कितनी गंदी से गंदी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी हो, आपको बेहतर पता होगा अपनी प्रॉब्लम के बारे में, आपको बस ये है कि डिप्रेस्ड नहीं होना है और किसी का साथ जरूर रखना अपने लिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो, छोटी सी जिंदगी है, हर इंसान की छोटी सी जिंदगी के अंदर जो उसकी लाइफ होती है वो और भी छोटी है, यानी एक लाइफ जो है इंसान की वो बहुत छोटी होती है, और एक पर्टिकुलर इंसान की जो जिंदगी है, जो उसकी सीमा रेखा है, जो वो काम करता है, वो और भी बहुत ही छोटे लेवल का है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी होती, उसको पता नहीं होता कि दुनिया में क्या क्या और हो रहा है। बाहर निकल के जब वो देखेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि यार ये दुनिया कितनी सुंदर है, आप जो चीज़ मूवीज़ में भी नहीं देखते ना, ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, जो आप देखोगे ना आपको अलग ही खुशी होगी उस चीज़ को देखकर, चाहे वो किसी की फीलिंग्स हो, चाहे वो कोई लोकेशन हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, जिसे जिस चीज़ से खुशी मिलती है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है उन चीज़ों में, ऐसी नेगेटिविटी को दूर हटाने का। सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है भाई, डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, सुसाइड ऑप्शन नहीं है।